हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एचटीएमएल कोडिंग का, ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब हुआ ये है 4.2। 4.2 का क्या मतलब हुआ कि एचटीएमएल में अभी तक हमने चार लेक्चर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के हमने अभी तक किए हैं चार लेक्चर। तो ये है हमारे पास थर्ड चैप्टर, जिसमें ये है फोर्थ का सेकंड पार्ट, एचटीएमएल की कोडिंग, जिसमें हम सीख रहे हैं कि एचटीएमएल में कोडिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, टाइटल है, हेड है, टाइटल, बॉडी, जो भी चीज़ें यूज़ होंगी। ओके, तो कोडिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, तो इस ये सब पार्ट्स में आएगा। तो ये 4.2 पार्ट है इसका, एचटीएमएल कोडिंग का, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को डिवाइड करते हैं, हेडिंग कैसे लिखी जाती है, पैराग्राफ कैसे होगी, और भी कुछ चीज़ें जो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये जो स्क्रीन आपके पास अभी विजिबल है, ये भी एचटीएमएल कोडिंग की ही है। तो सबसे पहली कोडिंग हमने क्या देखी थी वैसे, कि एचटीएमएल के टैग के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एचटीएमएल के टैग के साथ ही ये वाली कोडिंग भी स्टार्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लगा है डॉक टाइप, लाइक ये जो पहला सिंबल हमारे पास है, देखो इस कोडिंग में ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देन है डॉक टाइप, फिर है एचटीएमएल, फिर सेम प्रोसीजर है, फिर से हेड लिखा गया है, फिर मेटा कैर सेट है, टाइटल है, लिंक है, इस तरह से हेड क्लोज, मतलब ये सब पोर्शंस हैं इसके। तो अगर डॉक टाइप के साथ हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है, उसका मतलब है कि ये जो वर्जन है एचटीएमएल का वो है HTML5। ठीक है तो ये भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगेन इसमें अब पहला क्वेश्चन, मैंने अभी इस सीरीज़ में अभी तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, जो क्वेश्चन आंसर वाले वो लास्ट में पेज में इंक्लूड करती हूँ, वो आएगा जब आपका लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ का, एचटीएमएल कोडिंग का। ठीक है, लाइक थर्ड चैप्टर का। तब तक ये जो मैं आपसे वर्बली क्वेश्चन पूछती हूँ, उन्हीं के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। तो हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, और मार्कअप का क्या मतलब हुआ, प्लीज़ ये स्पेसिफाई करना जिस तरह से भी आपको समझ में आया उस तरह से। अगर आपने कोडिंग एक बार रन करके देख लिया, देन वेल एंड गुड, नहीं देखी तो यहीं पे समझो कि किस तरह से हम कोडिंग लिखते हैं और किस तरह से उसका रन करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर सबसे पहले इस तरह से लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि HTML का HTML5 वर्जन्स को यूज़ कर रही है। आप सिंपल HTML के साथ भी रन करोगे, सेम प्रोसीजर, सेम आंसर्स इसी तरह से आएंगे। और अगर डॉक टाइप लिखा जाएगा, तो ये पांचवें वर्जन में जितने भी नए इम्प्लीमेंटेशंस की गई हैं उन सबको ये इंक्लूड कर लेता है अपने अंडर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है देखो यहाँ पे हेड। तो हेड क्या करता है, अगर इसका थोड़ा सा ब्रीफली इसको इलेबोरेट किया जाए, कि हेड टैग क्या करता है, ये अपने अंदर दूसरे टैग को इंक्लूड करवाता है, जैसे मेटा टैग यूज़ हो गया, टाइटल का टैग यूज़ किया हमने, या लिंक के टैग यूज़ किए। तो ये स्पेसिफाई करता है उन चीज़ों को जो हमें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, जैसे टाइटल हमने दिया था, तो ये अगर हमारा वो वेब पेज था जो रन हुआ था, तो यहाँ पे जो बार हमें, जैसे अगर आपने चार पांच ब्राउज़र के ऊपर चार पांच टैब यहाँ पे ओपन करके रखी हैं, तो यहाँ पे छोटा छोटा वो डिस्क्रिप्शन दे के रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ गूगल लिखा है, यहाँ यूट्यूब लिखा है, यहाँ जीमेल लिखा है, तो ये कहाँ पे लिखे गए थे, दैट मीन्स ये लिखे गए थे टाइटल के अंदर। ठीक है, तो हेड उस पोर्शन को शो करता है जो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करते हैं। अब जो भी चीज़ें हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है आपको विजिबल पार्ट में यहाँ पे दिखे ही। ठीक है, लेकिन ये उस वेब पेज के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एनक्लोज करके रखता है, हेड टैग। ठीक है, तो ये मेटा एलिमेंट्स को एनक्लोज करता है, और ये टैग्स हैं जैसे मेटा एलिमेंट आ गया, टाइटल आ गया, लिंक हो गया, इन सब को ये अपने साथ अपने अंदर क्लोज करके रखता है या अपने अंदर इनहेरिट करता है। लाइक हेड टैग के अंदर ये टैग्स हम यूज़ करते हैं, तो ये हेड का ओपनिंग टैग हो गया, ये हेड का क्लोजिंग टैग हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है लिंक और REL, तो REL का क्या मतलब हुआ, REL ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस लिंक का क्या रिलेशनशिप है स्टाइल शीट के साथ, लाइक ये हरीफ है, ये एक किसी और वेब पेज के लिए रेफरेंस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इन टैग्स की ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन। अब
हमारा जो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं फिर, तो यहाँ पे ये जो हमने सबसे पहले लिखा देखो डॉग टाइप, और ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, स्पेस नहीं है बीच में, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है एंगुलर ब्रैकेट के बाद, एंड देन है डॉग टाइप एचटीएमएल, फिर से एचटीएमएल का टैग यूज़ किया है, हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल में आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट का पोर्शन आप विजिबल चाहते हो ऊपर वो हम यहाँ लिख देते हैं टाइटल टैग के अंदर, फिर हेड टैग हमारा क्लोज हो जाता है विद द फॉरवर्ड स्लैश, फिर बॉडी टैग। अब यहाँ पे हम बहुत सारे टैग यूज़ करते हैं जिनमें से जनरली यूज़ है, हेडिंग टैग है, पैराग्राफ का टैग है, फिर जो कंटेंट आप बीच में लिखना चाहते हो, जो भी आपके वेब पेज के ऊपर विजिबल पोर्शन है वो सारा आप यहाँ पे लिखते हो, देन बॉडी टैग क्लोज हो गया और एचटीएमएल का टैग जो है वो क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस तरह से है, डॉक टाइप यहाँ पे दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंट, ये आपके जो डॉक्यूमेंट का टाइप है उसको शो करता है, और एचटीएमएल का आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो उसके बारे में ये स्पेसिफिकेशन देता है डॉक टाइप, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा, ये एचटीएमएल फिफ्थ वर्जन। फिर हेड का जो टैग है उसके अंदर हम एक और टैग यूज़ करते हैं जो है टाइटल, टाइटल में हम क्या देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर यूज़ किया गया टाइटल का टैग, और उसके बाद आ गया हमारे पास बॉडी, तो बॉडी में जितना भी कंटेंट आप चाहते हो कि विजिबल पोर्शन में आपके पास आए वो सारा लिख दिया हमने यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास ओवरव्यू ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचटीएमएल का जो टैग है वो क्या बताता है, एचटीएमएल का टैग क्या बताएगा कि रूट क्या है, रूट मतलब कौन सी लैंग्वेज हम इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा टाइटल, फिर बॉडी टैग के अंदर जो हमने टैग यूज़ किए, अभी तक हमने क्या लिखा था, हेडिंग टैग, ठीक, हेडिंग टैग। तो जब भी हम कोई टाइटल लिखते हैं, सॉरी पैराग्राफ लिखते हैं या कोई एसे लिखते हैं, तो वहाँ पे हम देखो ये जैसे कंटेंट दिख रहा है तो ये आपको थोड़ा हाइलाइटेड दिख रहा है, ये थोड़ा कम हाइलाइटेड है। अब इसके नीचे कुछ और, मैं अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिखना चाहूँ तो वो और छोटे छोटे अक्षरों में या पतले फॉर्मेट में दिखेगा आपको, जैसे आप नोट्स बनाते हो तो हेडिंग लिखते हो आप एक, फिर उसके डिस्क्रिप्शन लिखते हो, फिर अगली हेडिंग, फिर डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पे हेडिंग के टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग के टैग है हमारे पास 6, तो H1 से लेके H6 तक, मतलब H1 हो गया, H2 हुआ, H3, H4, H5, H6। अब थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले टैग के बारे में पढ़ लेते हैं, टैग कैसे थे हमारे पास, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में अगर हम कोई स्पेसिफाइड कीवर्ड लिख रहे हैं एचटीएमएल लैंग्वेज का तो वो बन जाता है टैग, ठीक है। इसके बाद हम जो कंटेंट लिखते हैं वो विजिबल रहता है या हमें उसकी ज़रूरत है अपने डॉक्यूमेंट की राइटिंग के लिए, ठीक। तो टैग होते हैं दो तरह से, एक होते हैं हमारे पास एम्प्टी टैग और एक हो गए कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग कौन से हुए, जो हम टैग लिखेंगे, स्टार्ट किया हमने, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द टैग कैसे होती थी, ओपनिंग टैग है सिर्फ इस तरह से, और क्लोजिंग टैग है सेम कंटेंट जो आपने यहाँ लिखा वही यहाँ पे विद द फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। एम्प्टी टैग के केस में आपको पेयर में टैग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वेयर एज कंटेनर टैग में आप पेयरिंग में टैग को यूज़ करोगे। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये जो कंटेनर टैग में दो टैग हमने यूज़ किए तो ये किसी टेक्स्ट को कंटेन करके रख रहे हैं अपने आप में, और एम्प्टी टैग में एक ही टैग आप यूज़ करते हो वही अपना काम कर जाता है, इसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो कंटेनर टैग कौन कौन से हो गए, अभी तक जो हमने पढ़े हैं एचटीएमएल का टैग है, कंटेनर टैग है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों चाहिए होती है हमें, हेड है कंटेनर है, टाइटल टैग था कंटेनर टैग था, ठीक है, बॉडी का टैग हमने यूज़ किया वो भी कंटेनर टैग है। इसी तरह से अगर हम एम्प्टी टैग की बात करते हैं तो ये अभी तक हमने इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, लेकिन BR का टैग फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास है एम्प्टी टैग, तो ये आप जहाँ पे भी यूज़ करोगे ये अपना काम वहाँ पे ख़त्म कर देगा, वहीं पे करेगा वहीं ख़त्म हो जाएगा, आपको इसको कहीं और फिर से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका एम्प्टी टैग चला, ठीक। तो ये हो गए हमारे पास टैग की डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले जो टैग हमने देखा वो कौन सा आया, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कितने कहे हमने, H1 से लेके H6 तक, तो इसको कहाँ पे यूज़ करोगे। अब ये चीज़ पिछले लेक्चर में मैंने स्पेसिफाई की थी कि हमें जो ऑलरेडी जो फॉर्मेट है हमारे पास वो रहेगा HTML, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास हमेशा,
जब भी आप लिखना शुरू करोगे ये टैग आपका रहेगा, ऐड रहेगा, हेड रहेगा, उसके बाद जो आप टाइटल देना चाहते हो वो टाइटल रहेगा, टाइटल का टैग क्लोज होगा यहाँ पे, देन हेड का टैग क्लोज होगा, फिर बॉडी, अब जो भी कोडिंग दी जाएगी आप इस बॉडी टैग के अंदर लिखोगे इसको, और फिर बॉडी का टैग क्लोज होगा, और फिर HTML का टैग क्लोज हुआ। तो अभी हेडिंग के टैग दिए जा रहे हैं, दैट मीन्स ये H1 आप यहाँ लिखोगे, फिर हम यहाँ कंटेंट लिखेंगे, फिर H1 के टैग को क्लोज कर देंगे, फिर इसी तरह से H2 का टैग, उसका कंटेंट, उसको यहाँ पे क्लोज करेंगे H2 को, इसी तरह से H6 तक, ठीक है। तो H1 में लिखा लाइक हमने हेलो, और फिर इसको क्लोज कर दिया, इसी तरह से H2, H3, H4, H5, H6, फिर से हेलो, और यहाँ पे हमने H6 को भी क्लोज़ किया। तो यहाँ पे बस डिफरेंस देखना है हमें कि जब हमने कंटेंट को लिखा और जब ये रन हुआ तो जो इसका साइज़ था कंटेंट का, जो बीच में लिखा गया था, वो किस तरह से वेरी हुआ। तो आपको जिस तरह से भी पैराग्राफ में अपने चाहिए, जैसे हम चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर का जो हेडिंग रहता है वो बहुत बोल्ड है, फिर उसके जो सब पार्ट आने लगते हैं वो थोड़े और बोल्ड हैं, फिर जो कंटेंट है वो पतला बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जैसा, फिर से थोड़ा सा हेडिंग, फिर से थोड़ा सा हाईलाइटेड जैसा कंटेंट रहता है कई बार, तो उसको लिखने की जो प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो ये हो गए हेडिंग के टैग। अब हेडिंग के टैग अगर हमने अभी देख लिए तो इनको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें पहले क्या करना है, नोट पैड तक जाना है। नोट पैड तक जाने के लिए हमें क्या करना था, या तो विंडो के बटन को आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे, या तो हम सर्च बार के ऊपर भी प्रेस कर सकते हैं, या ऑल प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे एसेसरीज़ में जाएंगे, एसेसरीज़ में जाने के बाद आप नोट पैड वहाँ पे सर्च करोगे, मतलब चाहे आप वन वे और अदर वे, आपको नोट पैड तक पहुँचना है। जब आप नोट पैड में पहुँच जाएंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट वो आपको न्यू फाइल देता है, नहीं है तो फाइल में जाके न्यू में जाओ, फिर वहाँ पे ये कोडिंग लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से है, उसके बाद हम डायरेक्ट नोटपैड के पेज के ऊपर आते हैं। तो जो बेसिक व्यू है नोटपैड का वो इस तरह से हमारे पास। अब हम कोडिंग लिखना इसकी स्टार्ट करते हैं। ये है ब्लैंक फॉर्मेट हमारे पास। ओके, सो ये है हमारे पास HTML का प्रोग्राम जिसमें हमने क्या लिखा है, HTML लिखा, हेड है, टाइटल, देन ये सेकंड प्रोग्राम है इसलिए मैंने टाइटल में सेकंड प्रोग्राम लिखा। ये ऑप्शनल है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं वैसे यहाँ पे। एंड देन हमने यूज़ किए टैग यहाँ पे हेडिंग के, तो H1 शो कर रहा है कि हेडिंग का टैग है, और ये कंटेनर टैग है इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग यूज़ किए गए हैं। तो जितना भी कंटेंट आप चाहते हो कि ये हाईलाइटेड पोर्शन में दिखे या हेडिंग में दिखे, उसने को हम लिखेंगे H1 के अंदर, या H2, H3, या टैग्स के विद इन। ओके, और एंड में हमारा बॉडी टैग क्लोज हो गया, एंड देन HTML का टैग क्लोज हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं फिर से, उसके लिए हमें कंट्रोल S जैसे कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारे पास। जब हमने सेव के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हम सेकंड प्रोग्राम ये बना रहे हैं अपना, तो मैं सेकंड के नाम से इसको सेव कर देती हूँ, सेकंड, एंड देन फाइल का नाम जो भी आप देना चाहते हो वो seco.html। और ये कहाँ पे सेव हो रहा है, PC में, डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्टिनेशन याद करना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि सेव करती फाइल और ढूंढ के मिली ही नहीं वापस। तो ये गए हम सेव के ऊपर, एंड देन ये फाइल हो गई हमारे पास सेव। अब इसको रन करते हैं। अब इसकी डेस्टिनेशन देखनी थी कि हमने कहाँ सेव किया है इसको। इसको किया था हमने दिस पीसी में, डेस्कटॉप के ऊपर। तो इस टाइम पे देखो हम डेस्कटॉप के ऊपर ही हैं, और ये है हमारी वो फाइल जो हमने सेव की थी। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, एंड देन ओके। तो ओके, सो ये आ गई हमारे पास फाइनल आउटपुट। तो फाइल का क्या नाम है, जो ऊपर टाइटल आया वो आ गया देखो सेकंड प्रोग्राम। नीचे जिस तरह से हमने हेडिंग के टैग यूज़ किए थे, लाइक H1 था, H2, H3, H4, H5, H6, H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इसका टेक्स्ट का ये साइज़ कर देगा, और H1 के साथ हाईएस्ट फॉर्मेट में आएंगे सबसे, जितना मैक्सिमम साइज़ इसका हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट हेडिंग टैग्स के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग के टैग। तो फॉर्मेटिंग में हम कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं, लाइक हेडिंग रहेगी हमारी, इसके लिए फॉर्मेटिंग टैग्स, जो हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इटैलिक में जो टैग यूज़ होता है वो है हमारे पास आई टैग, ठीक है। कंटेनर टैग है तो ओपनिंग रहेगा, जितना कंटेंट आप चाहते हो इटैलिक पोर्शन में आए वो
बीच में लिखा जाएगा एंड देन जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा बोल्ड। बोल्ड टैग के लिए हम यूज़ करते हैं बी, अगेन कंटेनर टैग है तो जितना कंटेंट आप बोल्ड चाहते हो एंड देन बी टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हमारे पास यूज़ करते हैं हम टैग यू एंड देन क्लोजिंग टैग यू के साथ। फिर है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या है कि कोई चीज़ लिखी है लाइक हेलो लिखा और उसको काट दिया तो यह है स्ट्राइक थ्रू। तो इस तरह से अगर कंटेंट आपको अपने वेब पेज के ऊपर चाहिए तो उसके लिए हम टैग भी यूज़ करते हैं स्ट्राइक। जितना कंटेंट आपको इस तरह से स्ट्राइक थ्रू चाहिए वो बीच में एंड देन स्ट्राइक टैग को हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद आगे हमारे पास डिवीज़न टैग। डिवीज़न टैग, ठीक है, तो डिवीज़न टैग एंड जितना भी पोर्शन में आपको ये डिवाइड करना है एंड देन डिवीज़न टैग को भी क्लोज कर दिया। सिक्स्थ आ गया हमारे पास हेडिंग टैग, जो हमने पहले ही कर लिए H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग। फिर है प्री टैग। प्री टैग को हम बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग, ठीक है, प्री टैग हो गया। तो प्री टैग को हम लिखते हैं PRE के साथ और क्लोज भी किया जाता है इसको PRE के साथ इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग हुआ वो है लाइन ब्रेक का। लाइन ब्रेक, इसके लिए टैग यूज़ होता है BR और ये है हमारे पास एम्प्टी टैग, मतलब एक ही टाइम यूज़ होगा, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, इसकी सिंगल टाइम यूज़ है, दैट मीन्स एम्प्टी टैग है ये, ठीक है। और इसे सिंगल लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एम्प्टी टैग है दैट मीन्स कोई एंड टैग यूज़ नहीं होगा। और ये जैसे हम पोइम्स लिखते हैं या आपको पोइम लिखनी है या कोई एड्रेस लिखना है उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फॉन्ट साइज एंड कलर टैग। फॉन्ट साइज एंड कलर टैग, फिर है ड्राइंग टैग, टेंथ ड्राइंग टैग, फिर है कोट एलिमेंट QUOTE कोट एलिमेंट, सबस्क्रिप्ट एलिमेंट 12, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट है तो सुपर स्क्रिप्ट भी आएगी, सुपर स्क्रिप्ट, फिर बिग एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट, बिग एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट, इसी तरह से। और तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम ये हेडिंग टैग हमने ऑलरेडी कर लिया, अब हम इटैलिक देखेंगे, बोल्ड अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू, बस ये चार टैग, और बाकी टैग हम अगले आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। सो फिर से हम नोटपैड के ऊपर जाते हैं, तो लेट मी स्विच द विंडो। ओके, सो ये लिख दी हमने कोडिंग, हेडिंग टैग हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए थे, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था ऑलरेडी। तो उसके बाद हमने बोल्ड का टैग यूज़ किया विद द बी और क्लोजिंग टैग है, बीच में जो कंटेंट लिखना था वो लिख दिया मैंने, लाइक द कंटेंट इज़ बोल्ड इन नेचर, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद इटैलिक आ गया, अंडरलाइन आ गया एंड स्ट्राइक थ्रू आ गया स्ट्राइक टैग के साथ। अब इसको हम रन करके सेव कर लेते हैं पहले कंट्रोल एस के साथ, ये हो गया सेव, एंड अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव था हमारा, डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, सो लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप नाउ। फर्स्ट ये ओपन हो गया हमारा डेस्कटॉप, यहाँ पे सेकंड के ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा प्रोग्राम। तो जब ब्राउज़र में ओपन होगा तो देखते हैं क्या क्या आउटपुट आती है इसकी। ये ओपन हो गया देखो ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में क्या आया, हेडिंग टैग एज इट इज़ है H1 के साथ, जितना मोस्ट
कैपिटल कर सकता था या हाईलाइटेड कर सकता था कंटेंट को वैसे, देन H6 के साथ स्मॉलेस्ट वन। उसके बाद जो हमने बोल्ड टैग के साथ लिखा था वो था फर्स्ट लाइन, देखो कंटेंट रिटन विद द टैग इज़ बोल्ड, इटैलिक वाला इटैलिक फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, अंडरलाइन वाला अंडरलाइन में है। अब ये एक ही लाइन में दिख रहा है सारा, और कुछ कंटेंट तो हमारा दिख भी नहीं रहा जो हमने लिखा था। तो फिर से आप नोटपैड के ऊपर आते हैं और BR का जो टैग था लाइन ब्रेक करने वाला उसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो अगेन कम टू द नोटपैड, वहाँ पे हर एक लाइन के बाद अब BR टैग यूज़ करते हैं, लाइक बोल्ड लिखा है इसके बाद यहाँ पे BR का टैग। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सेव भी करते जाएंगे साथ के साथ। एक लाइन लिखी है उसके साथ BR का टैग, देन नेक्स्ट लाइन के साथ BR का टैग, फिर से सेव किया। अब चलो इतना ही इसको रन कर लेते हैं एक बार, तो सेव ऑलरेडी है। अब हम फिर से जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर या डायरेक्टली हम मूव कर सकते हैं टू द ब्राउज़र और उसको रिफ्रेश कर देंगे। सो ओके, ये आ गया ब्राउज़र वाला पेज हमारा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं विद दिस बटन, ये हो गया रिफ्रेश, देखो दिख रहा है कंटेंट रिटन विद द टैग। देखो लाइन ब्रेक होगी, अगली लाइन यहाँ पे आ गई हमारी। अभी देखो ये दोनों एक ही कंटेंट एक ही लाइन में दिख रहे हैं ना, फिर से अगर ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे तो ये अगली लाइन में हमें शो होना शुरू हो जाएगा। सो कोडिंग में चेंज होगा, दैट मीन्स नोट पैड के ऊपर चेंज होगा हमारा। तो नोट पैड के ऊपर अब हम लिखेंगे BR यहाँ पे। सो BR का टैग एम्प्टी टैग है, इसलिए सिर्फ हम एक टैग को लिख रहे हैं और सेव कर रहे हैं बार बार इसको, ठीक है, ताकि जो भी हमने चेंजेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में या कोडिंग में वो विजिबल हो जाए हमारे पास ऑन द ब्राउज़र। तो अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को अपने और देखते हैं जो चेंजेस हमने किए आए कि नहीं। देखो ये आ गया, अभी पहली लाइन बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है और ये आ गई स्ट्राइक वाली। सो ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अगेन हियर। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो if you want to follow us on the telegram channel, then this link is available there, and on the Facebook with this link, aur MY classes educational channel ke sath aap hamare agle aane wale lectures ko aur purane lectures ko dekh sakte hain. Thank you for watching the lecture. As this is the corona time, so please stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.